आईसीसी ने ताज़ा T20 रैंकिंग को जारी कर दिया है। आपको बता दें कि इस T20 रैंकिंग में लंबी छलांग लगाई है भारत के दिनेश कार्तिक ने। लगभग 3 साल बाद T20 इंटरनेशनल सीरीज में वापसी करने वाले दिनेश कार्तिक ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जबरदस्त बल्लेबाजी की। उन्होंने फिनिशर का रोल अदा किया और 16 साल की T20 करियर की अपनी पहली हाफ सेंचुरी भी लगाई। इसी का फायदा उन्हें T20 रैंकिंग में हुआ है और दिनेश कार्तिक ने 108 पायदान की लंबी छलांग लगाई है। बता दें कि इंटरनेशनल बैटिंग रेटिंग में अब दिनेश कार्तिक 87वें स्थान पर आ गए हैं और वह T20 बैटिंग रैंकिंग में टॉप 100 खिलाड़ियों में शुमार हो गए हैं। बता दें कि टॉप 10 में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं ईशान किशन 6ठे स्थान पर बने हुए हैं। ईशान किशन ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने 2 हाफ सेंचुरीज लगाई और कुल 206 रन बनाए। उनकी बल्लेबाजी शानदार रही और टीम को फायदा हुआ। ईशान किशन को भी ताज़ा T20 रैंकिंग में फायदा हुआ है और वह 6ठे स्थान पर बने हुए हैं। बता दें कि आयरलैंड सीरीज के खिलाफ अगर ईशान किशन अपनी फॉर्म को जारी रखते हैं तो वह T20 रैंकिंग में एक और लंबी छलांग लगा सकते हैं। बहरहाल बात करें अगर T20 रैंकिंग की तो बल्लेबाजों की रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम और 2 नंबर पर उन्हीं की टीम के खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान बने हुए हैं। बहरहाल गेंदबाजी में स्पिनर युजवेंद्र चहल ने भी लंबी छलांग लगाई। उन्होंने 23वां स्थान हासिल किया है। इसके अलावा नंबर 1 पर ऑस्ट्रेलिया के जो सेजलवुड बने हुए हैं। आपकी क्या राय है दिनेश कार्तिक ईशान किशन की रैंकिंग को लेकर, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वन इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।